बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम बात करें पूरा में रहे राजा वीरभद्र सिंह जी जो कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे, अगर हम देखें जब जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब तब यहाँ पर जितने भी हिमाचल प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, यहाँ पर ऐसी घटनाएं बढ़ती रहती है। अगर हम बात करें आज के समय में हर गांव में जो ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, गरीब आदमियों को पैसा देकर लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हर गांव में आज के समय में इनके प्रचार प्रसार के केंद्र मिलेंगे, चर्च मिलेंगे। खैर ये तो एक जांच का विषय है, हो सकता है हम जो भी की सरकार है, सुख देने वाली सरकार, इसमें जांच करे या न करे वो उनका विषय है। अगर हम बात करें, हमने बायल की खबर दिखाई थी पिछले दो दिन से, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं वहाँ पर जो गुज्जर समुदाय द्वारा वहाँ की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन डीसी कुल्लू महोदय दो साल पहले उस भूमि को वो निलंबित कर देते हैं, उस नौ तोड़ को वापस कर लेते हैं, लेकिन दो साल तक कोई भी प्रशासन वहाँ पर उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, ना उस कब्जे को खदेड़ा जाएगा। हमने खबर दिखाई थी जो सोसाइटियों के द्वारा हिमाचल की जनता को लूटा जा रहा है और लूटा जा रहा है, पैसा खा के भाग रहे हैं, तो बदले में क्या मिलता है? लोकेंद्र सिंह वैद्य के ऊपर यहाँ पर FIR की गई है। हालांकि उन लुटेरों को नहीं पकड़ा जाता है, ये सुख देने वाली सरकार का अपना सुख देने का एक अपना नजरिया है। ये किसी भी तरीके से हिमाचल की जनता को, स्थानीय जनता को सुख दे सकती है। हम इसी विषय में आज बात करने की कोशिश करेंगे। जो न्यू बस स्टैंड में 40 लोग आए हुए थे जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिनके पास ईसाई धर्म की सामग्री, प्रचार समार प्रचार प्रसार की सामग्री और कुछ पैसा बरामद किया गया है, तो हम यहाँ पर प्राणेश जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनके सामने वाक्य हुआ है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गाँव की गोन गिरी तक में। बताएं क्या मामला हुआ यहाँ? लोगों तक पहुँचाने के लिए आज दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास में कुछ काम से रामपुर के नए बस अड्डे पर गया हुआ था। वहाँ पर एक महिला शायद मेरे वहाँ पहुँचने से पहले से ही कुछ भाषण टाइप का कुछ कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक स्टॉल से मैंने एक दूध की बॉटल खरीदी, मैं वापस आने लगा, उसने मुझे रोक के पूछा कि भाई साहब आप क्या हैं? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे पहले से ही वो लग रहा था विक्षिप्त है, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं जाने को हुआ तो उसने मुझे बिल्कुल एकदम बड़े उससे मनयोग से रोका, मैं रुक गया। तो रुक के मैं उसकी बातों से समझ गया था मुझसे जानना क्या चाहती। मैंने कहा जी बहन जी मैं हिंदू हूँ। तो मुझे कहती है कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ। कहते परमेश्वर का कहर आएगा तो तुम्हें कोई दुनिया में बता नहीं सकता। मैंने कहा किस टाइप का कहर? कहता ईसा मसीह की शरण में। किसकी शरण में? ईसा मसीह की शरण में चले जाओ। मैं क्यों? कहता आप ईसाई बन जाओ। मैंने कहा बहन जी क्यों बन जाओ ईसा? मैं भाई जन्म से हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म पर आस्था है, मैं ईसाई क्यों बनूँ? और आप इस तरह से क्यों कह रहे हो? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को ये कह देना कि आप मुसलमान हैं, आप ईसाई बन जाओ या ईसाई हिंदू बन जाओ। मुझे क्यों कह रहे हो आप, जब मैं आपको नहीं किसी तरह के किसी शब्द या किसी तरह का कोई धार्मिक वो आपकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है। तो वो मुझसे कहती है कि बोला जी ऐसा है, मैं भी पहले हिंदू थी, मेरा पूरा परिवार हिंदू था, बहुत गरीब थे, बहुत दिक्कतें थी हमारे परिवार में, बहुत बीमारियाँ रहती थी, बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। जब से हमने कहते हैं परमेश्वर की शरण ली है, हम ईसाई बने हैं, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो गई है, अब हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास में कुछ पैकेट आया था, पाउच में कुछ था, आई थिंक मुझे शायद बाइबल होगी या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, और कुछ और सामान, वो उसका मुझे प्रलोभन देने लगे कि हम बहुत कुछ करते हैं, हमारे साथ आ जाओ, हमारे ब्रदर बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मैंने उससे एक ही बात कही कि बहन जी ऐसा है कि अपने धर्म के अंदर में मैं भिखारी रह जाऊं, भूखे मर जाऊं, मैं अपने ही धर्म के अंदर अच्छा हूं, मुझे ईसाई नहीं बनना, मेरी आस्था अपने धर्म के प्रति है। वो विवाद वहां सर, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए मुझे उसकी हालत देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि एक महिला है और इस तरह से थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है, तो उसको मैंने टालने की कोशिश की। वहाँ से वो थोड़ी दूर पे जब उसको टाला, थोड़ा धमकाया, एक दो लोग और भी आ गए थे, कुछ लोग वहाँ थे जो थोड़ा सा होता ही है इस तरह की बातें होती हैं, थोड़ा क्रोध में आ जाते हैं, उन्होंने मारने पीटने की कोशिश, इस तरह की मतलब किस तरह माहौल ख़राब हो जाए, मैंने उसको टालने की कोशिश की। वहाँ से हटाया, 10 मीटर की दूरी पे वो फिर से उन्होंने वही नौटंकी स्टार्ट कर दी। इस बार उनके साथ जब देखा तो और भी लोग थे, तो वहाँ जो और जनता थी, बहुत सारे कश्मीर का, वो जब जानकारियाँ होनी प्रारंभ हुई तो हमें पता लगा कि वो 40 के आसपास लोग हैं, और वो पता नहीं यहाँ कोई कैंप करने आए हुए हैं। तो वो भी देखते हैं स्थानीय लोग थे और भी लोग थे, तो माहौल ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हमने पुलिस को सूचना की।
उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने मौके पे उनको देखा तो उनके पास से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। अभी थाने के अंदर हम सभी आए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे पॉइंट किया और मुझे रोक के मुझे चलते हैं इस तरह से, मतलब मुझे बड़ा अशुभरी तो खाई साथ मेरे लिए बड़ा हाथ करने वाला है कि कोई व्यक्ति मुझे आके कह दे कि तेरा धर्म नीचे है, मैं हमारा धर्म ऊंचा है और तुम जो है हमारे धर्म में आ जाओ, तो ये निश्चय ही एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए मैं पुलिस से यही अपेक्षा करता हूँ कि पुलिस इससे न्यायोचित व्यवहार करे मेरे साथ में कम से कम। जी इनके पास क्या क्या सामग्री प्राप्त की? हमें तो बाहर निकाला हुआ है, पुलिस अंदर कार्रवाई कर रही है। आई थिंक बाइबल है, कुछ कैश हमारे सामने निकला है इनके पास से, और उसके बाद में अभी तो अब शायद इनके साथ में, वैसे तो अधिकतर नेपाली मूल के दिख रहे थे पर कुछ शायद दो चार लोग स्थानीय हैं इनके साथ में और ये आगे कहीं दूसरे गंतव्य की तरफ निकल रहे थे। अभी थाने के आगे हम खड़े हैं, देखते हैं अगली कार्रवाई क्या होती है। देखिए दर्शकों, ऐसे मामले रामपुर शहर के अंदर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। उस समय पहले डंसा भी एक ऐसा मामला आया था जो कि पैसा देकर धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। हम यहाँ पर विष्णु शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर ये मामला क्या है, अक्सर ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश देवभूमि रामपुर शहर के अंदर क्यों हो रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे वाक्य बीच बीच में होते रहते हैं और प्रचार प्रसार किया जा रहा है पैसा देकर? धन्यवाद लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका ही और आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत रखते हैं कि हिंदू धर्म के जो पक्ष में आप लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, बड़ी हिंदू समाज की आवाज़। जो आज ये घटनाक्रम हुआ है, लगभग आज विश्व हिंदू परिषद को लगभग जो है 1 बजे के करीब बस स्टैंड से कोई अज्ञात फोन आता है जिसमें हमें सूचना दी जाती है कि भाई साहब यहाँ पर बस स्टैंड में धर्म परिवर्तन के जो हो रहा है प्रकरण चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से 2-3 लोग वहाँ पे गए, हमने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ था और वहाँ पे हमारे आने से पहले पुलिस भी पहुँच चुकी थी। तो हमने देखा कि जब हमने वहाँ पे बात की तो पुलिस ने जिन लोग कुछ लोगों को पकड़ रखा था उनमें कुछ महिलाएं थी कुछ पुलिस थे। तो जब हमें उनसे फिर जानकारी मिली तो ये पता चला कि एक जो बस है ये दिल्ली रामपुर से दिल्ली जा रही है, इसमें कोई ये बस की पूरी बस की बुकिंग आज से 2 दिन पहले 6 तारीख होगी है। बुकिंग इनके द्वारा की गई है, ये बुकिंग 2 दिन पहले 40 सीटर जो बस है ये 2 दिन पहले 6 तारीख को इसकी पूरी बुकिंग हो चुकी है। और इसी बुकिंग में जो ये लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं नरेन भाली में, एक गांव है शैली नामक गांव, शैली गांव में इन लोगों का पिछले 22-23 दिनों से कोई सत्संग, ये तो कह रहे हैं भाई सत्संग चल रहा है और हम लोग जानते हैं वो सत्संग के रूप में क्या हो रहा था। तो वहां पर पिछले 22-23 दिनों से इनका कोई कार्यक्रम चला था जिसमें, जहाँ तक हमें पूरा निश्चय है, जिसमें इन लोगों को ये लोग अधिकतर लोग जो नेपाली मूल के लोग हैं और इनके साथ एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, एक हरियाणा का है और एक रोहडू का लड़का है, एक स्थानीय शैली गाँव का एक लड़का है उसका नाम कपिल है। तो ये लोग वहाँ पर जाकर मुझे लग रहा है इन लोगों को जैसे हो ही सकता है, इसमें 100% कोई शक नहीं है कि इन लोगों को ट्रेनिंग वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई कि कैसे समाज में जाओ, समाज में बिखर जाओ और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन लोगों को बहला फुसलाकर धर्म का प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। और ये उसी चीज़ को देखते हुए ये लोग समय से पहले, बस के समय से पहले रामपुर बस स्टैंड पहुँच गए। तो इनके दिमाग में आया होगा कि भाई क्यों ना हम यहीं से शुरू करें, और वही चीज़ को देखते हुए ये लोग कुछ महिलाएं और पूरे बस स्टैंड में बिखर गई और अलग अलग लोगों से संपर्क करने लगी। और जो हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट किया, और मैं इन्हें भी दाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हिम्मत दिखाई है, हिंदू धर्म के लिए खड़े रहे ऐसे नौजवानों की, तो हमारे हिंदू धर्म को बहुत आवश्यकता है। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से जो भी घर में जितने भी हिंदू भाई बहन बैठे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने धर्म के लिए आगे हैं, धर्म की रक्षा के लिए जरूर खड़े हों। धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। और आप ये देखिए, आप जो हम यहाँ पे इन लोगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें इनके सामान में कोई बहुत बड़ी संख्या में बाइबल्स मिली हैं, पैसे मिले हैं, और अभी ये अंदर देखे हमने देखा है कि इनके फोन से कोई ट्रांजेक्शन हुई है और एक ही व्यक्ति कोई वहीं शायद शैली गाँव से ये उसके फोन पे बार बार बहुत फोनों से मतलब ट्रांजेक्शन हुई है। ट्रांजेक्शन हुआ अभी ऐसा ही 1.5 साल पहले एक मामला लालसा गांव में हुआ था, वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली थी वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम हुआ। तो हम लोग यहाँ से गए थे और वहाँ पर आप मानेंगे एक गाड़ी के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए हमें कैश मिला था और 1500 से अधिक बाइबल मिली थी, वो भी इसी पुलिस स्टेशन में शाम के टाइम, हम रात के समय यहाँ पहुँचे थे वो सारी स्मगली लेकर। और उस टाइम भी बहुत कुछ हुआ, पर देखिए हिंदू समाज के जागे सोए रहने की वजह से वो लोग छूट गए। और मैं अभी भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आज यहाँ हुआ है, कल ये जो आग है ना जी ये फैलेगी और एक दिन हमारे घर तक पहुंचेगी। शर्मा जी जैसे कह रहे कि भाई हिंदू समाज को जागना होगा। जी जी